दोस्तों आपका मैं शोन, आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों मैंने ट्रेसिंग के विषय में तो बता दिया, लेकिन मैं उसको कैसे निकालता हूँ उसको लगाना भूल गया हूँ। मैंने दुनिया भर की बातें बताई कि ऐसे होता वो होता, उसके भूल गया हूँ कि नील की ट्रेसिंग कैसे निकालते हैं। नील की ट्रेसिंग निकालने के लिए किसी कलर पर भी लगा हो नील, तो उसमें उस कपड़े को पहले गीला करें। गीला करने के बाद में सबसे पहले क्या होता है कि जो मैनुअल पे जो कढ़ाई करने का जो ढंग होता है, एक होता है मैनुअल यानी जो मशीन पे करते हैं, एक हाथ से होता है, एक हाथ का होता है, एक कंप्यूटर से होता है। तो ये करने का तरीका, खासकर मैनुअल पे ज़्यादा ऑयल लगने का डर रहता है। जहाँ पे ऑयल लग जाता है कि मशीनों पे तेल डाला जाता है, तेल लग जाता है, तो उससे क्या है कि आप उसकी ट्रेसिंग काटेंगे, ऑयल के ऊपर कोई भी केमिकल काम नहीं करता। तो उसके लिए हमें डीसी करना पड़ता है। डीसी के लिए हमारे जितना भी गारमेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसको डीसी करते हैं। लेकिन आपके पास जो भी कपड़ा है इस टाइप का, आप उसको सीधा आप उसको ट्रेसिंग काट सकते हैं। ट्रेसिंग काटने का पूरा ये है कि कुछ कपड़े रंगीन इस टाइप के होते हैं कि आप उसको तेजाब में डालेंगे तो उसका कलर फेड हो सकता है, यानी कलर कट सकता है। तो इसलिए पहले कपड़े को गीला कर लें। गीला करने के बाद में आप, जैसे आपने दो कपड़े करने हैं, दो कपड़े के लिए आप उसमें पानी लें 5 लीटर के आसपास, और उसके अंदर आप 50 ग्राम उसमें ऑब्जोलिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी एसिड आपके पास होता है, सबसे बेस्ट होता है इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको अमलराज बोला जाता है। तो उसमें इसको डिप करें, 5-7 मिनट में वो ट्रेसिंग कट जाएगी। ट्रेसिंग कट जाए उसके बाद आप उसको सादा पानी में खंगालें, और सादा पानी में खंगालने के बाद में आप उसको सोडा एस और डिटर्जेंट से उसको वॉश करें। क्योंकि यहाँ तक कि वॉशिंग की प्रक्रिया आपको पता है, ये ट्रेसिंग काटने का होता है कि जो हम एसिड का पानी बनाते हैं उसको 4 नंबर का पानी बोला जाता है। अब इसी पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 नंबर का क्यों बोला जाता है? तो 4 नंबर से मतलब ये चौथा जो प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको 4 नंबर का बोला जाता है। तो आप इसको 4 नंबर में डाल के इसको ठंडा करना, ठंडा करना मतलब खंगालने को ठंडा करना बोलते हैं, एसिड से ठंडा करना। उसके बाद इसको हम न्यूट्रल करते हैं सोडा एस से। तो ये इसका एक फार्मूला होता है। बाकी जैसी जैसी ट्रेसिंग होती है वैसे वैसे उसका समाधान भी किया जाता है कि ज़्यादातर जो सस्ती और टिकाऊ है वो नील को ही लेते हैं, क्योंकि नील में ज़्यादा झंझट नहीं है, सब जगह मिल जाता है और कहीं भी आप कैसे भी लगा सकते हैं। बाकी और जो जितने भी ट्रेसिंग है सब महंगी हैं, और विशेष कपड़े की जो उसके डिमांड होती है उसी के ऊपर उसको यूज़ किया जाता है। बाकी नील को आप डार्क पे भी लगा सकते हैं, लाइट पे भी लगा सकते हैं, खाली जो हमारे जो ब्लू कलर के हैं उससे मिलते जुलते जो कलर और नील से, उस पर नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें वाइट यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम कोलगेट वगैरह यूज़ करते हैं, जिंक यूज़ करते हैं। तो कोलगेट पाउडर भी आराम से मिल जाता है। कोलगेट पाउडर की अगर ट्रेसिंग निकालनी है तो उसको खाली वॉश कर दें, वॉश कर दें मशीन में, वॉश करें या हाथ से वॉश कर दें, उसके हल्की से मलाई कर दें, निकल जाएगा। तो ये है, तो ट्रेसिंग निकालने का जो हमारा ये फार्मूला है, आप इसको, आपके पास कभी बाय चांस कपड़ा आए तो आप बिल्कुल उसको साबुन से ना रगड़ें, क्योंकि साबुन से नील कभी नहीं निकलेगा। उसे निकालने के लिए आपको एसिड ही यूज़ करना पड़ेगा, कोई जो एसिड आपके पास हो उसी को यूज़ करें। उसके बाद इसको न्यूट्रल जरूर करें। न्यूट्रल नहीं करेंगे तो आप इसको जब प्रेस करेंगे तो उसमें प्रेस करने के बाद में वो कपड़ा आपका वहाँ से डैमेज हो सकता है, अगर उसमें असर रह गया एसिड का। तो दोस्तों छोटा सा एक वीडियो था, वीडियो आपको पसंद आए तो इससे लाभ अवश्य उठाएं। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।